Hello and welcome. Welcome to the YouTube channel Study XIIT JEE, where you get the most amazing and genuine content. And this is your math tutor Ankit Raj. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, सीक्वेंस एंड सीरीज. इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा. आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और खुद से क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, ठीक है? बिना रिवीजन के ये रिटेंशन पॉसिबल नहीं है, और जितना जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप रिटेन करेंगे. तो मैं ये एडवाइस करूंगा आपको कि रिवीजन करते रहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? वो डिले नहीं होना चाहिए आपका रिवीजन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज पढ़ा, तो अब दो महीने बाद करूंगा रिवीजन, ठीक है? तो उससे आप काफी कम रिटेन करेंगे. ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जितना ज्यादा डिले करेंगे रिवीजन को उतना कम रिटेन करेंगे. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमने सारे कॉन्सेप्ट करे, ठीक है, क्वेश्चन खूब सारे करे, और सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है? ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर, अगर मैं कहूँ पूरे आईटी जेईई प्रिपरेशन के टाइम में मुझे जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगा वो था सीक्वेंस एंड सीरीज. और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कहीं घुल मिल के आते हैं किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से, ठीक है? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा, ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर ओवरव्यू, क्या क्या पढ़ेंगे आप सीक्वेंस एंड सीरीज में. तो पहले तो वही इंट्रोडक्शन की क्या है सीक्वेंस, क्या है सीरीज, फिर सिग्मा एंड पाई नोटेशन. सिग्मा का मतलब होता है, ठीक है, सिग्मा इज यूज फॉर समेशन एंड पाई इज यूज फॉर प्रोडक्ट, ठीक है? तो वही कुछ रिजल्ट, जैसे सिग्मा आर क्या होता है, n into n plus 1 by 2, आप जानते हैं, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर, फिर समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, समेशन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ये डिस्कस कर रहे हैं. आज लेक्चर 1 में आपको मैं फर्स्ट 3 टॉपिक बता दूंगा, उसके बाद अगले लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन, फिर जीपी एक लेक्चर ले लेगा, फिर एचपी और ये inequalities involving means, या फिर the properties and relation between AM, GM and HM. उसके बाद एक लेक्चर तो हमारा ये भी ले लेगा AGP. AGP बहुत important है. AGP मतलब कि एक टर्म आप सीक्वेंस लिखो arithmetic progression और दूसरा लिखो geometric progression, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो सीरीज आता है उसे हम arithmetic geometric progression कहते हैं. अब बोलेंगे ऐसा geometric harmonic progression भी हो सकता है, या geometric arithmetic तो हो गया, arithmetic harmonic, ठीक है? लेकिन अगर अरिथमेटिक हार्मोनिक होगा तो बहुत ही सिंपल सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि एक एपी में है और एक का जो डिनोमिनेटर है वो एपी में, तो आसान सीक्वेंस होगा. तो और ज्योमेट्रिक एचपी जो है ये उतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें पढ़ना ही नहीं होता है क्योंकि आज तक पूछ ही नहीं रखा है. एजीपी से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं. फिर टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, कुछ मिसकेलेनियस सीक्वेंसेस को सॉल्व करने का तरीका, उसके मेथड्स क्या है. जैसे एक हो गया मेथड ऑफ डिफरेंस, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन, ठीक है, ये सब तरीके हैं कुछ मिसकेलेनियस सीक्वेंस को सॉल्व करने. क्या कि 1990s से, या मैं कहूंगी 2000 ऑनवर्ड्स ना, अब क्या कि एपी जीपी से क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, इन मिसकेलेनियस सीक्वेंसेस से भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा डबल सिग्मा, ठीक है, डबल सिग्मा यानी डबल समेशन. एक समेशन, एक सिग्मा ऑपरेटर आप पहले सॉल्व करो, फिर दूसरा सिग्मा ऑपरेटर सॉल्व करो. ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं. देखिए कोई भी आप नंबर को अरेंज करो वन आफ्टर अनदर, तो आप जो पाओगे वही है सीक्वेंस. जैसे आपने अरेंज करा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये क्या हो गया, मैंने नंबर्स वन आफ्टर अनदर अरेंज करें, ठीक है. जनरली इसका रूल होता है, और कुछ रूल ऐसे होंगे जो आपको इजिली दिख जाएंगे, कुछ रूल से मैंने लिख दूंगा वो आपको हो सकता है उतनी आसानी से नहीं दिखे. जैसे ये इसका अगर मैं आपको सिक्स टर्म लिखने बोलूं तो आप बता दोगे अच्छा ये फर्स्ट एन ऑड नंबर का सीरीज है, तो सिक्स ऑड नंबर क्या हो जाएगा 11. या फिर मैं आपको बोलूं इसका नेक्स्ट टर्म लिखने बोलूं अगर आपको, तो आप बता दोगे इसमें तो इस बार क्या हो रहा था, सक्सेसिव टर्म्स एक कॉमन डिफरेंस मेंटेन कर रहे थे, दो दो का कॉमन डिफरेंस मेंटेन कर रहे थे. इस बार जो है सक्सेसिव टर्म्स इज मेंटेनिंग अ कॉमन रेशियो, ठीक है, रेशियो कॉमन आ रहा है, तो 128 into 2 यानी 256 होगा इसका सिक्स टर्म. अच्छा आप इसका जनरल टर्म निकाल सकते हो क्या, जनरल टर्म या कहें उसको हम nth टर्म करते हैं, कि आप n = 1 2 पुट करते रहो, आपको जो टर्म निकालना है 56 टर्म निकालना है, तो n के जगह 56 रख देना. तो इसका जनरल टर्म क्या आ रहा है 2n - 1, ठीक है, ये तो दिख रहा है. nth टर्म को हम डिनोट करते हैं tn से, ठीक है, तो क्लास टर्म में पढ़ रखा होगा. इसका क्या है nth टर्म, देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 8 या कहें 2 की पावर 3, सेकंड टर्म है 2 की पावर 4, थर्ड टर्म क्या है इसका 2 की पावर 5. तो मैं nth टर्म बोल सकता हूं नहीं कि 2 की पावर n + 2 है, पैटर्न ऑब्जर्व करके मैंने देख लिया, तो सिक्स टर्म उसी से आ गया मेरा 256, 2 की पावर 8.
ठीक है, फिर इस सीक्वेंस का 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्म निकाल पाओगे? तो ये कुछ रेसिप्रोकल टाइप नहीं दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल जो है ना वो कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। इसका अगला टर्म आप बता दोगे 1/11, ठीक। अब इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? जनरल टर्म हो जाएगा वही उसका रेसिप्रोकल, n इक्वल्स टू 1/2n-1। इन तीनों सीक्वेंसेस में क्या था कि हमको इजीली दिख रहा था कि इसका जनरल टर्म क्या था, कुछ का जनरल टर्म आपको शायद इजीली नहीं दिखे। जैसे एक मैं सीक्वेंस लिख, ओके, ये जो सीक्वेंस है इसके आप नेक्स्ट टू टर्म्स बताओ। 0, 4, 18, 48 है ना, इसका नेक्स्ट टू टर्म्स बताओ। ठीक है, हो सकता है 5 to 10% बच्चों को ये बहुत ही आसानी से दिख जाए, लेकिन ज्यादातर को नहीं दिखेगा। इसका बेसिकली जो एनएस टर्म है ना वो मैंने लिख रखा है n³ - n² ओके। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0। सेकेंड टर्म देखिए 2³³ 8 - 4 4। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 27 - 9 18। T4 क्या हो रहा है? T4 हो रहा है 4³ यानी 64 - 16 48। तो सिमिलरली T5 क्या हो जाएगा? 5³ 125 - 5² यानी 25, तो 100। T6 क्या हो जाएगा? 6³ यानी 216 - 36, तो 180। तो हम क्या समझे, अ सीक्वेंस यूजुअली हैज अ रूट, ठीक है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली और नॉट इजीली। ठीक है, तो आप समझ गए ना क्या है सीक्वेंस, क्या है सीरीज। सीरीज क्या है ना, आप इसी को ऐड कर दो, इसी को हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छे से देखते हैं, आपको पूरा लिखवाता हूँ क्या है सीक्वेंस क्या है सीरीज। ठीक है, आप ये फिलहाल थोड़ा बहुत समझ लो, अगर चैप्टर ओवरव्यू अपने नोट करा था ना, चैप्टर ओवरव्यू। ठीक, ओके, तो मैंने बिल्कुल डेफिनेशन लिखा दिया है, जिन्होंने नोट करना है वो नोट कर ले, बाकी जिनको नहीं नोट करना है वो क्वेश्चन करें। ठीक है, ऐसा क्या है सीरीज, या फिर क्या है हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, और सीरीज मिलता कैसे? बाय एडिंग ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो T1 T2 ये सब टर्म 1 टर्म 2 है, किसका? सीक्वेंस। ठीक है, इसको एक और तरीके से डिनोट करते हैं, सिग्मा नोटेशन। ठीक है, सिग्मा टी आर आर इक्वल्स टू वन, आर इक्वल्स टू वन ये जो है 1, इसका एक लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और एन जो है अपर लिमिट। ठीक, समझ पा रहे हो ना, कि मतलब आर इक्वल्स टू वन से आपको आर की जगह पे आपको 1 पुट करना है, फिर प्लस करना है, फिर आर की जगह पे 2 पुट करो, ऐसे कहां तक जाना है? एन तक। ठीक है, सिग्मा टी आर आर इक्वल्स टू वन से एन का मतलब है T1 + T2 + so on Tn तक जाना। ठीक है, Tn से हम डिनोट करते हैं nth टर्म ऑफ सीक्वेंस को, और Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, नोट कर लो आप, नोट करने के बाद क्वेश्चन करने लग जाना, नोट कर लो, जिन्हें नोट करना है वो नोट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज 2n और दूसरा पार्ट है इसका log n। तो आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म कैसे आएगा n को टू वन पुट करने से, सेकंड टर्म कैसे आएगा n को टू पुट करने से, और इसका जो एंड टर्म होगा या कहें लास्ट टर्म या फिर कहें nth टर्म, वो होगा 2n या फिर log n। चलो इजी है ना, 2, 4, 8, 16, सो ऑन, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ऐसे जाते जाएगा। ठीक, और पार्ट टू क्या है, एन की जगह 1 पुट करना है, लॉग एक्स कॉमा लॉग 2x कॉमा लॉग 3x। ठीक है, आप एन की जगह पे 1 2 3 4 तो पुट कर ही लोगे, ये तो मैं मान के चल रहा हूं, इतना तो आता होगा आपको। ठीक है, इतना क्या, इससे बहुत ज्यादा आता है आपको। एक्चुअली फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो जेई के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन है, और जेई आपसे पूछ सकता है, कि आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि द टर्म्स आर द, ठीक है, कि दिस इज अ सीक्वेंस व्हिच टर्म्स आर ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, आपको बिल्कुल पैराग्राफ में बाकायदे लिख के देगा, जैसे यहां पे लिख के दिया कि क्या है फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, फिर आपको क्वेश्चन करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये उसी पे एक फ्रेम्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन में बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस का रूल क्या है, कि nth टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ द टू प्रीवियस टर्म। ठीक है, ये
इसका मतलब क्या, अगर मैं n, और ये वैलिड कब कब है, n ग्रेटर देन 2 पे, यानी n इक्वल्स टू 3 से मैं इसे वैलिड मान सकता हूँ, क्योंकि a1 और a2 तो दिया हुआ है कि a1 और a2 दोनों क्या है 1, तो a3 बताओ, a3 इक्वल्स टू a2 प्लस a1, ठीक, a4 क्या हो जाएगा, a2, a4 क्या हो जाएगा, a3 प्लस a2, ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो आप यानी a6 अपॉन a5 निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं a3 क्या हो गया, a2 प्लस a1 यानी 1 प्लस 1 2, a3 क्या हो गया 2 और a2 1, a5 बताओ, a5 क्या होगा a4 प्लस a3, a4 3 है, a3 2 है, 5, अब मुझे a6 भी निकालना है एक लास्ट, ठीक है, 5 प्लस 3 a6 इक्वल टू a5 प्लस a4, अब मुझे चाहिए कोशेंट, तो अब मुझे क्या चाहिए, a6 अपॉन a5, तो a6 आसानी क्वेश्चन था, ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 करो, एट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इसका a1 2 है, a2 भी 2 है, ये जो nth टर्म है ना वो प्रीवियस टर्म माइनस 1 है, देखिए क्या है, इसका a1 तो 2 है, मुझे 5 टर्म्स लिखने हैं, a2 भी 2 है, तो a3 क्या हो जाएगा, यहां पे n के जगह 3 पुट करो, तो a3 इक्वल्स टू a2 माइनस 1, ठीक है, यही आया ना, तो a3 इक्वल्स टू a2 माइनस 1 यानी 1, a4 क्या हो जाएगा, प्रीवियस टर्म माइनस 1 यानी a3 माइनस 1 यानी 0, a5 क्या हो जाएगा, प्रीवियस टर्म माइनस 1, प्रीवियस टर्म क्या है इसका 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, ठीक है, पांचों टर्म्स मैंने लिख दिए, अगर आगे के टर्म्स आपको जानने हैं तो a6 क्या हो जाएगा इसका, a6 हो जाएगा माइनस 2, a7 क्या हो जाएगा माइनस 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये फ्रेम्ड क्वेश्चन है, ये दोनों जो था वो बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसी पे थोड़ा इससे बेटर क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर लोगे, अगर फंडामेंटल्स आपको क्लियर है तो आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 4, ये नोट करना है तो नोट कर लो आप, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो 1 है और आगे के टर्म्स फॉलो कर रहे हैं 3 इनटू an प्लस 1 माइनस 3 an इक्वल्स टू 1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि an प्लस 1 माइनस an इक्वल्स टू 1/3, ठीक, अब आप पुट करना चालू कर दो n इक्वल्स टू 1 ऑनवर्ड्स, क्योंकि n इक्वल्स टू 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये वैलिड है, तो आप n इक्वल्स टू 1 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 1/3, फिर n इक्वल्स टू 2 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू 1/3, n इक्वल्स टू 3 पुट करो, तो क्या आ गया, a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 1/3, सिमिलरली आप क्या पुट करो पता है, n इक्वल्स टू 2001 पुट करो, देखिए उसे फायदा क्या आएगा, करोड़ों का फायदा, देखिए ओके, अब आप ऐड करना चालू कर दो, ठीक ना, आप ऐड करो, तो a2 कट जा रहा है, फिर a3 भी कट रहा है, a4 भी यहां पे कोई टर्म होगा उससे कट रहा होगा, सिमिलरली ये a2.1 भी किसी को काट पीट रहा होगा, तो बचा क्या फाइनली a2.2 और a1, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का समीशन क्या है, a2.2 माइनस a1 इक्वल्स टू 1/3, कितने टाइम्स, हम n इक्वल्स टू 1 से 2001 तक पुट करें, यानी 2001 अपॉन 3, तो a2.2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो a2.2 इक्वल्स टू a1 प्लस 2001/3, ये क्या हो जाएगा, 36 जा 18, फिर 37 जा 21, तो बचा क्या है 667, और a1 क्या है 1, तो a2.2 क्या आ गया 668, ये नोट कर लो, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अब आज का टॉपिक एक बचता है आपके पास, सिग्मा ऑपरेटर और पाई ऑपरेटर, ठीक है, पाई ऑपरेटर प्रोडक्ट, सिग्मा ऑपरेटर समेशन, ठीक, नोट कर लो, उसके बाद वो टॉपिक देखते हैं, ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है सिग्मा ऑपरेटर एंड पाई ऑपरेटर, सिग्मा इज अ सिंबल यूज्ड फॉर समेशन,
and pi, it is a notation used to denote products of similar terms. ठीक है, आपको अगर लिखा हुआ है T1 plus T2 plus Tn, इसको इतना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं equals to sigma TR, और R का लोअर लिमिट क्या है, और R के लोअर लिमिट से क्या आएगा इसका फर्स्ट टर्म, तो R equals to 1, और R के अपर लिमिट से क्या आएगा इसका लास्ट टर्म यानी n, R 1 से n जा रहा है, और ये क्या हो गया हमारा Sn क्या है, T1 T2 T1 ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फिर सपोज आपको दे दिया जाए सिग्मा R, ठीक है, R equals to 1 से n, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, R की जगह पे मुझे 1 पुट करना है, R की जगह पे फिर मुझे 2 पुट करना है, फिर R की जगह पे 3 पुट करना है, सिमिलरली कहां तक जाना है अपर लिमिट तक, और अपर लिमिट क्या है n, ओके सिग्मा R स्क्वायर, R equal to 1 से 5, तो इसका क्या मतलब है इसका अपर लिमिट क्या है 5, लोअर लिमिट 1, तो मुझे R की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कहां तक जाना है मुझे 5 तक, ठीक, अगर आपको सिग्मा 1 बाय आर आर इक्वल्स टू 2 से आर इक्वल्स टू 4, इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट लोअर लिमिट से क्या आता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, और लास्ट टर्म आएगा अपर लिमिट से 1 अपॉन 4, ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पाई लिखूं पाई आर आर इक्वल्स टू 1 से एन, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे प्रोडक्ट कर देना है, तो 1 से एन तक जाना है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 एन, या फिर पाई आर स्क्वायर, वही लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट एन, तो 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू एन का होल स्क्वायर, ठीक, पाई का तो वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, पाई का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ये जो सिग्मा ये बार बार आते रहेगा, अब से शुरू हो गया ये, अब हमेशा ये आपको तंग करते रहेगा, ठीक है, तो सिग्मा की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, ठीक है, सिग्मा ऑपरेटर का प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, वैसे तो मेरे फोन में है, समेशन प्रॉपर्टीज, तो पहला है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट से आर की जगह पे वहां पे ए के लिखा हुआ है, ठीक है, आपको के इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो ए 1 ए 2 ए 3 इस टाइप से, तो अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर सपोज, तो कॉन्स्टेंट हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप कॉमन लेके कॉन्स्टेंट को बाहर कर दो, ठीक है, तो सी बाहर कर दिया गया है और ए के जो वेरी कर रहा है उसको सिग्मा में आप रखो, फिर है सिग्मा ए के प्लस माइनस बी के, ठीक है, सिग्मा ए के प्लस माइनस बी के इक्वल्स टू, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, सिग्मा ऑपरेटर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, कि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन कब, प्लस और माइनस के लिए, मतलब इनटू और डिवाइड के लिए नहीं है, ठीक है, इनटू और डिवाइड के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, उसको आप फिर उसी तरह से सॉल्व करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाओगे, फिर थर्ड है कि कोई कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, तो कॉन्स्टेंट टर्म आप कुछ भी पुट करो, आर इक्वल्स टू 1, जैसे सिग्मा सी, सिग्मा सी का क्या मतलब हुआ, आर इक्वल्स टू 1 से एन, यानी ये कोई कॉन्स्टेंट है, तो 1 पे भी 1 आपको किसके जगह पुट करना था, आर की जगह, लेकिन आर तो है नहीं, तो आपको हर बार सी 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 पुट करना है कितने टाइम, एन टाइम्स, तो एन इंटू सी हो जाएगा, ठीक, तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर है ना आपको, ठीक है, कुछ यूजफुल रिजल्ट्स डिराइव करते हैं, जैसे सिग्मा आर क्या होगा, सिग्मा आर स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा आर क्यूब, सिग्मा आर की पावर 4 का भी फॉर्मूला लिखा दूंगा आपको, ठीक है, नोट कर लो प्रॉपर्टीज सिग्मा ऑपरेटर का, क्लियर है ना, तो बताओ सिग्मा 1 R equals to 1 से n, इसका क्या मतलब होगी, अगर कॉन्स्टेंट c था तो c के जगह क्या रखना है 1, तो अगर उसका रिजल्ट आ रहा था nc, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा n into 1 यानी n, इसलिए क्या करना है 1 1 ऐड करते जाना है, क्योंकि इसको तो पुट r की जगह करना होता है, लेकिन r तो है कि नहीं कहीं, तो बार बार केवल 1 आएगा, कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स, इक्वल्स टू n, ठीक, क्लियर है आपको, ओके अब सिग्मा आर का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, वैसे तो आपको याद ही होगा, बचपन में आपने याद करा होगा, सिग्मा आर इक्वल्स टू, सिग्मा आर मतलब क्या है, समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा
एन इन टू एन प्लस वन बाई टू, उसी को हम डिराइव करेंगे। देखिए आपको एक आइडेंटिटी यूज करना है कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस टू एक्स। तो आप इसी आइडेंटिटी में x को 1 से लेके n तक पुट करो, पुट x इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन n तक। तो पहले x इक्वल्स टू 1 जब पुट करें तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इनटू 1, ठीक है, यही आया। अब x इक्वल्स टू 2 पुट करो तो क्या आया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इनटू 2। x इक्वल्स टू 3 पुट करें, x इक्वल्स टू 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इनटू 3। सिमिलरली जब आपने x इक्वल्स टू n पुट करा तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2n, ठीक है। अब ऐड करते जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने पे देखिए ये तो कट रहा है, फिर 4 स्क्वायर को काटने के लिए कोई एक टर्म यहाँ पे होगा, सिमिलरली n स्क्वायर भी किसी को काट रहा होगा, ठीक। तो बचा क्या, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1, ये आया माइनस 1 इक्वल्स टू, इधर से 1 का समेशन क्या आ गया, n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 2 इंटू क्या ये 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n, ठीक। तो ये वन तो कट गया, ठीक है, ये वन कटा, उसके बाद एक एन से ये क्या आ गया, एक एन, फिर एक एन को काटेगा, और ये है क्या, यही तो है सिग्मा आर। तो टू इंटू सिग्मा आर इक्वल टू एक एन कटेगा, तो एन स्क्वायर प्लस एन, तो सिग्मा आर क्या हो गया इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू, और ये क्या हो गया, एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो सिग्मा आर R equals to 1 से n equals to n n plus 1 upon 2, ठीक है, रिजल्ट याद रखोगे, ठीक है। हमने डिराइव कर लिया, आज तक आपको फॉर्मूला तो याद था लेकिन डेरिवेशन नहीं पता था, आज मैंने डिराइव भी कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम सिग्मा आर स्क्वायर और सिग्मा आर क्यूब के लिए भी डिराइव करेंगे, नोट कर लो, ठीक है। इस बार हम सिग्मा आर स्क्वायर का रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं। सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, ठीक है, derive करते हैं, फिर से वही consider करते हैं, x plus 1 का whole cube क्या होगा, x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ठीक है ना। तो x plus 1 का whole cube माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें आप x की जगह 1 2 3 सो ऑन n तक पुट करते जाओ, पुट x इक्वल्स टू 1 2 से n तक, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू रखते हैं 1, तो क्या आ गया, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1 प्लस 1, ठीक है। अब आप पुट करो x इक्वल्स टू 2, तो क्या आ गया, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू 3 into 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into 2, ठीक है। x के जगह हम क्या पुट करते जा रहे हैं, 2 प्लस 1। सिमिलरली x इक्वल्स टू 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। पैटर्न समझ में आया, तो n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ओके, ऐड कर दो। तो देखो कट पिट रहा है, 4 क्यूब को काटने के लिए यहां पे होगा माइनस 4 क्यूब, और माइनस एन क्यूब को काटने के लिए यहां पे रहा होगा एन क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड बचा क्या, एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन,
वन क्यूब वन ही है, तो एन प्लस वन का होल क्यूब क्या हो जाएगा वहां से देख लो अगर आप, तो एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है ये तो कट गया, इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड देखो क्या बना, थ्री कॉमन लो तो क्या बना, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक, और यही तो है सिग्मा आर स्क्वायर, आर की जगह पे वन टू से एन तक पुट किया गया है, तो सिग्मा आर विथ लोअर लिमिट वन एंड अपर लिमिट एन, यही है, प्लस थ्री इंटू ये क्या बना सिग्मा एन, ये क्या बना थ्री इंटू सिग्मा आर, और प्लस वन को एन टाइम्स ऐड करा गया है तो प्लस एन, ओके, तो ठीक है देखते हैं और, तो एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर, एक एन तो कटा यहां से तो क्या बचा टू एन इक्वल्स टू थ्री इंटू सिग्मा आर स्क्वायर, आर इक्वल्स टू वन से एन प्लस थ्री इंटू सिग्मा आर क्या हो गया अभी डिराइव करा है एन एन प्लस वन अपॉन टू, ओके ये निकालना है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप, तो एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन अपॉन टू, ठीक है ये क्या बचा, इसको तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये क्या बचा थ्री इंटू सिग्मा आर स्क्वायर आर इक्वल टू वन से एन, अब देखो थ्री को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप तो वन अपॉन थ्री डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो मुझे सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, देखिए ये क्या बनेगा वन अपॉन थ्री इंटू एलसीएम लो टू, तो टू एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, ठीक है देखिए क्या आ गया वन अपॉन थ्री और ये टू मल्टीप्लाई हो गया वन अपॉन सिक्स होगा, और ये क्या बचेगा टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है इसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई करना तो ये आ जाएगा n n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ठीक है सिक्स तो आ गया और ये न्यूमरेटर ऐसे हो जाएगा, हाँ देखिए n अपॉन सिक्स तो डायरेक्ट आ गया क्योंकि यहां से आप n कॉमन लोगे, उसके बाद बचेगा क्या न्यूमरेटर में, फिर बचेगा टू एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन स्क्वायर माइनस थ्री एन स्क्वायर यानी थ्री एन स्क्वायर, तो n तो कॉमन ले लिया है मैंने तो प्लस थ्री एन और प्लस एन, और एन को मैंने कॉमन ले लिया तो ये वन, तो टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस एन प्लस वन, ये क्या हो गया टू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक तो भाई क्रिएट हो गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, ठीक है नोट डाउन कर लो, ओके तो हमने सिग्मा आर और सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला देख लिया, हम सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो इस बार आप कंसिडर करो एक्स प्लस वन का पावर फोर माइनस एक्स की पावर फोर इक्वल्स टू वन प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब, ओके फॉर्मूला आप देख भी सकते हो अगर नहीं आता है तो आप इसको देखो, पहले आप क्या करो एक्स प्लस वन की पावर फोर का फॉर्मूला निकालने के लिए आप एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन उसका होल स्क्वायर करो, ठीक है देख लेना यही आ जाएगा, ये थ्री क्लियर नहीं है क्या, ओके अब आप क्या करो एक्स के जगह पे वन से एन तक पुट करना चालू करो, तो एक्स इक्वल्स टू वन, तो इससे क्या आ गया टू की पावर फोर माइनस वन की पावर फोर इक्वल्स टू वन प्लस फोर इंटू वन प्लस सिक्स इंटू वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन क्यूब, ठीक है एक्स इक्वल्स टू टू पुट करो तो क्या आ जाएगा थ्री की पावर फोर माइनस टू की पावर फोर इक्वल्स टू वन प्लस एक्स के जगह पे हर जगह क्या पुट करना है टू, तो फोर इंटू टू प्लस सिक्स इंटू टू स्क्वायर प्लस फोर इंटू, ओके एक्स की जगह पे थ्री पुट करो तो थ्री प्लस वन फोर, ऑब्जर्व हुआ कि कटना पिटना शुरू हो गया है, ठीक है तो वन प्लस फोर इंटू थ्री प्लस सिक्स इंटू थ्री स्क्वायर प्लस फोर इंटू, ठीक है घटना पटना शुरू हो गया ये हमें दिख ही गया है तो डायरेक्ट एक सौ पांच जाते हैं एन, तो एन की पावर फोर माइनस
इक्वल्स टू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे इस बार एन, तो 1 प्लस 4 एन अब ऐड कर दो सबको, तो लेफ्ट हैंड साइड तो कट पिट रहा है, बचा क्या एन प्लस वन की होल पावर 4 माइनस 1, तो एन प्लस वन की होल पावर 4 माइनस 1 को क्या लिखोगे आप, लिखोगे आप एन की पावर 4 प्लस 4 एन प्लस 6 एन स्क्वायर प्लस 4 एन क्यूब, ये लिखोगे ठीक है, वहां से आप देख भी सकते हो फॉर्मूला और फॉर्मूला आप डिराइव कर लेना। इक्वल टू सिग्मा वन क्या आता है, एन प्लस 4 इंटू सिग्मा आर प्लस 6 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू सिग्मा आर क्यूब, तो अपर लिमिट क्या है इसका, सबका अपर लिमिट एन है और लोअर लिमिट क्या है 1। ये तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा ही रखा है, ये भी फॉर्मूला लिखा रखा है, तो देखो क्या हो जाएगा, एन प्लस 4 इंटू सिग्मा आर, 4 इंटू n n plus 1 by 2 यानी 2n, ठीक है 4 by 2 2 हो गया, और सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n plus 1 by 6, तो 6 6 कट पिट लिया, ठीक है, और प्लस 4 सिग्मा आर क्यूब। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड लेते आओ और 1/4 कर दो, तो 1/4 4 प्लस 4 एन प्लस 6 एन स्क्वायर प्लस 4 एन क्यूब माइनस एन माइनस, ये किसके इक्वल है, ये है सिग्मा आर क्यूब, तो ये एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक आप कर लेना, आप एक बार चार्ट पे देख लेना, तो ये क्या बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो 1/4 यहां से आया और यहां से आ जाएगा एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, अब चेक कर लेना ओके। तो अब सारे रिजल्ट्स को समराइज कर लेते हैं, ठीक है बिल्कुल नोट डाउन आपको करा देता हूँ, ये आप कर लेना आ जाएगा, ठीक है भरोसा रखो, और अगर नहीं है भरोसा तो आप खुद से एक बार करना कॉपी पे, अब जरूर करना एक बार कॉपी पे जरूर चेक करना, सारे रिजल्ट्स को मैंने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से नोट डाउन कर दिया है, ठीक है ये तीनों तो डिराइव करा है, ये भी डिराइव नहीं करा है क्योंकि इसको डिराइव करना फिर थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, मतलब लास्ट स्टेप तक तो पहुंच ही जाएंगे लेकिन वहां से फिर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, करा जा सकता है, ठीक है बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये पूछे जाए, बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाए। तो सिग्मा आर फोर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन जो कर रहे थे, ठीक है इंटू बस एक टर्म होता है 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 और अपॉन में 30 r, ठीक है तो ये क्या सिंबोलाइज क्या कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए समेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर इस फॉर्मेट का होगा 2r-1, dr यही होगा ना 2r-1, तो सिग्मा 2r-1 आप कैलकुलेट कर पाओगे, देखो कैसे कर रहा हूं इसको, सिग्मा 2r-1 डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये सिग्मा 2r-σ1 हो जाएगा ओके, इसको हम 2 into σr कह सकते हैं, तो σr का फॉर्मूला हम जानते हैं n एन प्लस वन बाई टू और माइनस सिग्मा वन क्या हो जाएगा एन, ठीक तो 2 2 कट पिट लिया, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, तो ये क्या आ गया एन स्क्वायर, ठीक है तो प्रूफ ये हो गया। अब सिग्मा टू आर ये सिंबलाइज कर रहा है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर तो इसका प्रूफ के लिए तो आप सीधा 2 into σr हो जाएगा एन एन प्लस वन, ठीक है वही है ओके, ठीक है एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे के जो रिजल्ट सब डिराइव किए, और सिग्मा ऑपरेटर का जो भी प्रॉपर्टीज है कि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव है कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ये सब क्यों होता है कैसे होता है तो मैं बता रखा हूं आपको, ये आप नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ये दो क्वेश्चन है सिग्मा नोटेशन पे, आप पहले इसका जनरल टर्म आइडेंटिफाई करें उसके बाद सॉल्व करें, ये सेकेंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या होता है कुछ ज्ञानी लोग ये सजेशन देते फिरते हैं ना कि एनसीईआरटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है कितना अच्छा क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का ही, और सीक्वेंस सीरीज में और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा एनसीईआरटी का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको आगे, ठीक है क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि मतलब
जेई लेवल केवल सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं, वेक्टर इन 3D जो पूरा चैप्टर है क्लास 12th का, वो तो आप बस एनसीईआरटी कर लो आपका काम चल जाएगा। पूरे कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको अपना बेस स्ट्रांग करना है ना, तो आप एनसीईआरटी पकड़ के चलो, पहले एनसीईआरटी पूरा कंप्लीटली सॉल्व करो, उसके बाद कुछ और इधर उधर करो। फिर सेट्स एंड रिलेशन हो गया, ये भी एनसीईआरटी ही सेल्फ सफिशिएंट है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना, पूरा कैलकुलस, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स एंड रिलेशन, वेक्टर इन 3D तो सेल्फ सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी करो उतना ही एडवांस में भी लगभग उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो जो लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, देयर नो लेस देन मोरोन्स। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म क्या होगा, आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, जनरल टर्म यही हुआ ना। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं। जनरल टर्म क्या है, आर एफ टर्म, ये क्या हुआ, आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, मुझे अप टू एन टर्म्स इसका समेशन निकालना है। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा टी आर, आर इक्वल्स टू वन से एन, ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा ओके तो आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू निकाल लोगे। मैंने क्वाड्रेटिक में बताया कि कैसे सिंपल तरीके से आपको इसका प्रोडक्ट करना है। तो सिग्मा आर इंटू ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू, और इंटू आर करेंगे तो आर क्यूब प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस टू आर, यही होगा ना। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव है समेशन, ये सिग्मा जो ऑपरेटर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आर क्यूब प्लस थ्री सिग्मा आर स्क्वायर प्लस टू सिग्मा आर, सबका लोअर लिमिट वन है और अपर लिमिट एन है ओके। ओके, फॉर्मूला तो मैं आपको लिखा ही रखा हूं। तो सिग्मा आर क्यूब इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एन एन प्लस वन, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ठीक, और टू इंटू सिग्मा आर यानी टू इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि टू टू तो कट पिट लेगा आपस में। अब आप क्या करो, एन एन प्लस वन कॉमन ले लो सबसे ओके, फिर ऐसे सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वो ये आएगा, एन एन प्लस वन कॉमन लोगे इंटू एन प्लस टू एन प्लस थ्री अपॉन फोर, ठीक है, ये आंसर आ रहा हो। अब कर लेना, चलो ये सॉल्व करो, एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे तो बेटर ही क्वेश्चन है, सॉल्व करो आप। ठीक है, आप इसका जनरल टर्म लिखो पहले, तो जनरल टर्म यानी आर एच टर्म टी आर इक्वल्स टू क्या, समेशन ऑफ क्यूब, तो अगर आर तक जा रहा है तो आर तक का क्यूब, तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब, और नीचे क्या है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, पी आर हो जाएगा टू आर माइनस वन, ठीक है, वन प्लस थ्री प्लस सो ऑन टू आर माइनस वन, ठीक है, आर एथ ऑड नंबर क्या हो जाएगा, टू आर माइनस वन ओके। मैंने फॉर्मूला सिग्मा आर क्यूब का लिखा रखा है और सिग्मा टू आर माइनस वन का भी लिखा रखा है, ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्क्वायर, और सिग्मा आर क्यूब क्या होगा, आर इंटू आर प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर ओके। कैलकुलेट करो, तो ये पहले आर स्क्वायर ये कटेगा इससे, क्योंकि तो इस पर पावर टू है ना, ये तो काट सकता हूं मैं ओके। तो इसके कटने पिटने के बाद क्या बचा है हमारे पास, टी आर देखें आर एच टर्म इक्वल्स टू आर प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन फोर ओके, टू का होल स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो इक्वल्स टू मैं क्या कह सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन अपॉन फोर, तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स, सिग्मा टी आर लोअर लिमिट तो आर इक्वल्स टू वन रख दो, लोअर लिमिट वन रखना है, क्योंकि वन रखने पे देखिए क्या आ रहा है, फोर अपॉन फोर वन, और यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, लोअर लिमिट से आता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है वन,
सिमिलरली आप और रीचेक करना है तो आप टू रख के भी देख लो, यही आएगा। और तो सिग्मा टी आर इक्वल्स टू, और क्या है, और जो समेशन होता है यानी सिग्मा ऑपरेटर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इक्वल्स टू सिग्मा 1/4 कॉमन ले लूंगा प्लस ओके फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है सिग्मा आर स्क्वायर क्या होगा 1/4 इनटू सिग्मा आर स्क्वायर होता है एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस हाफ इंटू सिग्मा आर क्या होगा एन एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, ये होता है ना सिग्मा आर। और सिग्मा 1/4 क्या हो जाएगा एन बाय फोर, क्योंकि 1/4 ऐड करेंगे एन टाइम्स तो 24 एलसीएम आएगा और एन कॉमन आएगा, 24 कॉम एन बाय 24 कॉमन लेने के बाद ये 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 आ रहा होगा। ओके आप रीचेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, अगले लेक्चर में हम देख रहे होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तब तक के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग अस, स्टडी एक्स विल बी बैक विद मोर अमेजिंग एंड जेन्युइन कंटेंट। बाय बाय।